please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से अचीवमेंट रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, यानी कि स्कूल का अचीवमेंट रिकॉर्ड किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर बने रहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2019 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भी, तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले काम आपको अचीवमेंट रिकॉर्ड डिज़ाइन करने के लिए पेज का साइज़ क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, प्रिंटेबल पेज का साइज़ दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो सिंपली लेआउट के अंदर क्लिक करते हुए दोस्तों साइज़ के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं दोस्तों A4 साइज़ सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल मैं एक बॉर्डर क्रिएट करना चाहूँगा। तो उसके लिए सिंपली यहाँ से मैं डिज़ाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पेज बॉर्डर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं पेज बॉर्डर के ऊपर मैं जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों एक यहाँ पर ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा। जस्ट यहाँ पर मैं ओके करूँगा। तो ओके करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने बॉर्डर क्रिएट कर चुका हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ स्कूल का नाम टाइप करूँगा। जस्ट यहाँ से मैं सिंपली सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्कूल का लोगो इंसर्ट करना चाहूँगा। तो इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करते हुए पिक्चर्स में क्लिक करते हुए यहाँ पर दोस्तों मैं जाऊँगा डी ड्राइव के ऊपर में। तो दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे लोगो दोस्तों है मेरे पास, तो सिंपली ये वाला लोगो इंसर्ट करूँगा। यहाँ पर दोस्तों इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करना है। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली वाला रैप टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करना है। रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करते हैं, आपको इसके इस तरीके से मूव इट करना है। जहाँ पर आपको मूव करना चाहते हो तो आप इस तरीके से मूव वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्कूल का नेम टाइप करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर करना चाहूँगा। तो यहाँ से दोस्तों कलर के ऊपर मैं जाकर ब्लैक एंड व्हाइट कलर आप इस तरीके से चूज कर लीजिए और इसको अलाइनमेंट दोस्तों सेंटर कर लीजिए ताकि आप इजीली यहाँ पर इंसर्ट कर सको। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा फाइल बड़ा करूँगा। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा दोस्तों स्कूल का नाम, तो कुछ इस तरीके से टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड सा फॉन्ट यूज़ करूँगा कुछ ये वाला, और इसको अलाइनमेंट सेंटर करते हुए यहाँ पर मैं प्लेसमेंट करूँगा ताकि कुछ इस तरीके से आपको देख जाए। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पर प्लेसमेंट करूँगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको प्लेसमेंट करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको जो भी एसेसरीज आपको टाइप करना है, सबसे पहले रिमूव स्पेसिंग करते हुए आपको यहाँ पर फॉन्ट देना है दोस्तों एलिवरी, और सिंपली इसको मैं थोड़ा सा 14 का फॉन्ट दूंगा। आप शायद यहाँ पर दोस्तों जो भी स्कूल का एड्रेस वगैरह डिटेल्स, ईमेल एड्रेस जो भी है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से एड्रेस भी टाइप कर चुका हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पर रोल नंबर टाइप करना चाहूँगा। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हैं, सेव टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से दोस्तों इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर टाइप करूँगा रोल नंबर और इसको सेटल करते दोस्तों मैं 14 का फॉन्ट दूंगा और इसको मैं यहाँ पर फॉर्मेट सेव फिल नो फिल सेव आउटलाइन नो आउटलाइन करूँगा ताकि ईजिली इस तरीके से आप देख सको। तो उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अचीवमेंट रिकॉर्ड। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए शेप्स और यहाँ पर दोस्तों ये वाला एक शेप सेलेक्ट करूँगा, ड्रॉ करूँगा और दोस्तों इसको मैं कलर दूंगा दोस्तों वाइट कलर दूंगा और आउटलाइन दोस्तों मैं यहाँ पर ब्लैक कलर करना चाहूँगा और इसको थोड़ा सा वाइट बड़ा करूँगा और दोस्तों इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट करूँगा ताकि कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सको। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा और इसको साइज में छोटा करते हुए इसको भी इधर के साइज़ में थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से रखूँगा। रखने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं फोटोज़ बनाऊँगा। फोटोज़ के लिए जस्ट यहाँ पर इस तरीके से ये वाला सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली वाइट आउटलाइन ब्लैक इसको थोड़ा सा वाइट बड़ा करूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो इसके बाद दोस्तों इसी को यहाँ पर मैं इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर कॉपी करूँगा और दोस्तों यहाँ पर टाइप करूँगा अटैचमेंट फोटो, यानी कि आप चाहे तो फोटो इस तरीके से टाइप कर सकते हो और इसको सेंटर करूँगा ताकि इस तरीके से यहाँ पर एग्जैक्टली सेट कर सकूँ। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से मैंने कंप्लीट यहाँ पर काम कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर दोस्तों टाइप करूँगा अचीवमेंट रिकॉर्ड। जस्ट इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए वर्ड स्टाइल 1 सेलेक्ट करूँगा और इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर होम नो स्पेसिंग और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हुए टाइप करूँगा अचीवमेंट। इसको सेलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करूँगा और यहाँ पर दोस्तों इसको बोल्ड करूँगा और यहाँ पर मैं फॉन्ट दूंगा दोस्तों ये वाला। आप चाहे तो जो भी फॉन्ट आपके पास है आप अप्लाई कर लीजिए। जस्ट ये वाला फॉन्ट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ।
इसको दोस्तों थोड़ा सा साइज में छोटा करते हुए, यहाँ पर भी इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करते हुए मैं भी 18 के आसपास करूँगा और इसको यहाँ पर अप्लाई करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल सा एक प्यारा सा लुक लगे। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से इतना तक तो काम हो चुका है। अब दोस्तों आपको जो भी एकेडमिक ईयर है वो सब कुछ आप इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर कॉपी करते हुए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो एकेडमिक ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने एकेडमिक ईयर 2022-23 इस तरीके से टाइप किया। इसको मैं दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट करूँगा ताकि इसको भी सेंट्रलाइजमेंट यहाँ पर अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद इसको कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा दोस्तों क्लास। तो कुछ इस तरीके से क्लास 3 और 5 इसको मैंने टाइप किया। इसको मैं दोस्तों फॉन्ट सेम फॉन्ट यूज़ करूँगा, बोल्ड फॉन्ट। आप चाहे तो इसको एरियल ब्लैक वगैरह फॉन्ट भी सेट कर सकते हो, थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह बड़ा करते हुए आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से इतना तक मैंने कम्प्लीटली काम किया। अब मैं दोस्तों यहाँ पर यूज करना चाहूँगा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शेप्स के ऊपर में क्लिक करते हुए जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी डिटेल्स वगैरह फिल करने के लिए आपको नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जस्ट इसको अप्लाई कर लीजिए टेक्स्ट बॉक्स को। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है दोस्तों। और ड्रॉ करने के बाद सिंपली इसका अलाइनमेंट सेंटर करना है। इसको राइट क्लिक करते हुए आपको फॉर्मेट के ऊपर में क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप्स और लाइन के ऊपर में जाकर आपको कंपाउंड लाइन के ऊपर में डबल लाइन चूज करना है। इसको थोड़ा सा वेट आपको यहाँ से बड़ा करना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा, काफ़ी प्यारा लुक आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली काम कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है स्टूडेंट के लिए वो आप यहाँ पर इजीली टाइप कर सकते हो, जस्ट इस तरीके से बना लेना है। बना लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करते हुए आपको काम करना है। जस्ट कुछ इस तरीके से टाइप करने के लिए जस्ट कुछ इस तरीके से मैनेज कर लीजिए और आपको यहाँ पर फटाफट स्टूडेंट का डिटेल्स टाइप कर लीजिए। 16 फॉन्ट दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, और टाइप करना दोस्तों नेम और सिंपल इंटर, उसके बाद दोस्तों क्लास इंटर और आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली टाइप कर चुका हूँ, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पेरेंट्स, गार्जियन, सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से टाइप किया है। सिग्नेचर ऑफ इसको मैं सैडल करते हुए यहाँ पर दोस्तों मैं काम करूँगा थोड़ा सा। सबसे पहले नो स्पेसिंग आप चाहे तो इसको कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करते हुए सभी को एक एक बार इंटर बटन प्रेस करते हुए आपको इस तरीके से मैनेज कर लेना है। मैनेज करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली टैप बटन प्रेस करते हुए जहाँ से आपको ये टाइप करना है तो आप इजीली इसको टाइप कर सकते हो। जस्ट यहाँ से शिफ्ट होल्ड करते हुए अंडरस्कोर टाइप करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आकर से फिर से टैप बटन शिफ्ट होल्ड करते हुए अंडरस्कोर फिर से नीचे आकर आपको यहाँ पर टैप बटन प्रेस करते हुए शिफ्ट होल्ड करते हुए अंडरस्कोर फिर से नीचे आकर टैप बटन प्रेस करते हुए शिफ्ट होल्ड करते हुए अंडरस्कोर फिर से टैप बटन प्रेस करते हुए शिफ्ट होल्ड करते हुए अंडरस्कोर। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर एक अचीवमेंट रिकॉर्ड स्कूल के बना चुका हूँ दोस्तों। आप भी इसी तरीके से जो भी स्कूल का अचीवमेंट रिकॉर्ड है आप बना सकते हो, इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल सकते हो, इसको प्रिंट कर सकते हो। जो भी प्रिंट आउट करने के लिए आप इजीली इस तरीके से सब कुछ काम कर सकते हो दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूंगा, मे बी 20 के आसपास कर दूंगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करते हुए इस तरीके से अटैच कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में एक अचीवमेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।